हेलो एवरीवन आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी बेसिक बात करेंगे हम टैक्सोनॉमी के बारे में पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की टैक्सोनॉमी होती क्या है टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन नॉमन क्लेचर एंड क्लासीफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज़म की आइडेंटिफिकेशन उसका नाम देने में और उसको क्लासीफाई करने में हेल्प करती है मॉर्फोलॉजिकल डाटा यूज़ कर सकती है बिहेवियर जेनेटिक बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशंस इन सब चीज़ों को लेके टैक्सोनोमिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं किसी भी स्पीसीज को किसी भी टैक्सा को आइडेंटिफाई करते हैं डिस्क्राइब करते हैं और उसको अरेंज करते हैं उस स्पीसीज को इनटू क्लासिफिकेशन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार लेनस से की बात करें तो जो प्लांट टेक्सोनॉमी है उसके चार ऑब्जेक्टिव हैं टू नो ऑल प्लांट ऑन अर्थ जितने भी प्लांट हैं अर्थ पे उनके बारे में जाने विद देर नेम्स एफिनेटीज़ एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस उनके नाम से उनके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से उनके यूजेज से टू बिल्ड अप ए रेफरेंस सिस्टम फॉर प्लांट फॉर ईजी आइडेंटिफिकेशन प्लान्ट ईजिल आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सिस्टम बनाया जाए उनके नेमिंग आइडेंटिफिकेसन और क्लासीफिकेशन के लिए टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ एवोलूशन ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड फालाजेनेटिक ट्रेंड इन नेचर डिफरेंट प्लांट्स के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशन को स्टडी कर सके। टू गिव एवरी प्लांट एन यूनिवर्सल नेम हर एक प्लांट को एक ऐसा नाम दिया जाए ताकि लोगों में कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और वो इंटरनेशनल लेवल पे वो जो यूनिवर्सल नेम है वो काम करे ये बेसिक चार ऑब्जेक्टिव हैं टेक्सोनोमी के प्लांट एक्सोनॉमी कंपोनेंट्स की बात करें प्लान टेक्सोनोमी के तो हम पांच कंपोनेंट्स की बात करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन उसके बाद डिस्क्रिप्शन फिर नॉमिनक्लेचर क्लासिफिकेशन एंड फायोलॉजी आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ए टेक्सॉन बाय कंपेयरिंग इट फीचर आइडेंटिकल विद और सिमिलर टू दोज ऑफ नॉन टेक्सन आइडेंटिफिकेशन का मतलब है हमारे पास कोई अननोन प्लांट है हम उसको क्या करें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कैसे हमारे पास जो नॉन टेक्सा है जिसके बारे में हमें पता है उसके साथ उसके फीचर्स को कंपेयर करें ठीक है कंपेयर करें और उसके बाद उसका क्या करें उसको उसका नाम ड्राइव करने की कोशिश करें बाय रेफ़रिंग टू एग्जिस्टिंग क्लासीफिकेशन एग्जिस्टिंग क्लासीफिकेशन से उसका नाम अननोन नोन का आइडेंटिफाई के बाद उसका नाम फाइंड करने की कोशिश करें हरबेरियम्स में विजिट करें कंपेयरिंग अननोन स्पेसिमेन विद आइडेंटिफाइड स्टोर स्पेसिमेन हारबेरियम में जाएं और जो हमारे पास अननोन जो प्लांट है जो स्पेसिमेन है उसको उसके जो करीबी जो उससे थोड़े थोड़े सिमिलर हों उनसे आइडेंटिफाई कर जिससे उनके फ़ीचर मिलते हों उनसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें हरबेरियम में जो स्टोर स्पेसिमेंस हैं उनसे कंपेयर करें या फिर हम क्या कर सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट के पास हम अपने स्पेसिमैन को भेज सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए ठीक है बाकी हम लिटरेचर्स uh, को फॉलो कर सकते हैं जैसे फ्लोराज हो गए मोनोग्राफ हो गए मैनुअल्स हो गए आइडेंटिफिकेशन कीज़ की हेल्प भी ले सकते हैं आजकल जो है पॉपुलर मेथड क्या है टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ ए प्लांट एंड इट्स पार्ट जो प्लांट है उसकी फ़ोटोग्राफ ले लें या उसके पार्ट्स की फ़ोटोग्राफ ले लें और उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दे उसके बाद इन्फॉमेसन सेंड कर दी जाए अप्रोप्रेट मेंबर इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट जो मेंबर्स हैं उनके पास वो कमेंट करेंगे आपकी फ़ोटोग्राफ़ के ऊपर उसके पार्ट्स के ऊपर कि ये वाला प्लांट आई थिंक ये है ये वाला प्लांट ये है उस और वो कमेंट जो है जिसने इंक्वायरी की है उसके पास आ जाएंगे और हमें प्लांट के बारे में पता चल जाएगा आजकल कर हम करते हैं ना फेसबुक पर डालते हैं कि प्लीज़ आइडेंटिफाई द प्लांट या किसी और भी जो वेबसाइट्स है या इंटरनेट है उस पर डाल सकते हैं तो वर्ल्ड में जिस भी जहाँ भी किसी को उस प्लांट के बारे में पता होता है तो वो कमेंट करके आपको हेल्प कर सकता है अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की ए टैक्सॉन विच कैन बी स्पीसीज जो हमारे पास जो एक अननोन प्लांट है या अन नॉन जो टेक्सॉन है वो स्पीसीज भी हो सकता है जीनस फैमिली कुछ भी हो सकता है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे बेस्ड ऑन उसके मॉर्फोलॉजिकल एनाटोमिकल जेनेटिक और इकोलॉजिकल कैरेक्ट्रिस्टिक्स के बेसिस पे ठीक है दीज डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स आर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दट डिस्ट दिन फ्रॉम अदर ये जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल जेनेटिक एक्कोलॉजिकल ये क्या करेंगे उस टेक्स को दूसरे से अलग करने में हेल्प करेंगे ठीक है डिस्क्रिप्शन किसी भी बेसिस पे हो सकता है साइज के बेसिस पे शेप के कलर के हैबिटेट के और भी किसी भी यूनिक फ़ीचर के ऊपर ठीक है हम जितने भी फीचर्स को लिस्टिंग जितने भी फीचर को इंक्लूड करेंगे लिस्टिंग करने में उन बाई रिकॉर्डिंग करेक्टर स्टेट उसके करेक्टर स्टेट को रिकॉर्ड करने के बाद जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं पहले हम बात करते हैं ए शॉर्ट ए शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली दोस्मिक करेक्टर विच हेल्प इन सेपरेटिंग ए टेक्सोन फ्रॉम अदर क्लोज रिलेटेड जो करैक्टर्स हमें हेल्प करें उस टेक्सोन के बिल्कुल क्लोज रिलेटेड टेक्सोन से अलग करने में उनको हम कहेंगे डायग्नोस्टिक करेक्टर्स ठीक है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में उसके जो क्लोजली रिलेटेड टेक्स है उनसे डिफरेंट करने में जो करैक्टर्स हेल्प करते हैं उनको डायग्नोस्टिक करेक्टर कहते हैं उसके अलावा डिस्क्रिप्शन जो है वो एक सेट पैटर्न पे रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि हमारे पास कोई प्लांट है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उसका हैबिट देखेंगे फिर स्टेम देखेंगे उसकी लीव्स कैसी है ये देखेंगे फ्लार कैसा है सेप्पल्स कैसी हैं फ्लार में पेटल्स कैसी हैं स्टेमन कैसे हैं कार्पल कैसे है उसका फ्रूट कैसा है ये हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे रिकॉर्डेड पैटर्न में ठीक है ईच करेक्टर जो है उसको हम करेक्टर स्टेट से लिस्टेड करते हैं करेक्टर स्टेट कैसे लिस्टेड करेंगे जैसे कि आपके पास कोई फ्लार कलर है ठीक है तो फ्लावर कलर में जो फ्लावर का जो कलर हो जाएगा वो आपका करैक्टर हो गया और उसमें जो आप ये बता रहे हो कि रेड है वाइट है येलो है वो आपका स्टेट हो जाएगा तो ये आप करेक्टर स्टेट के हिसाब से बताएंगे फ्लावर के कलर के बारे में बात करें वो करेक्टर है और कैसे कलर का है वो आपका स्टेट है फ्रेश स्पेसिमेन आप बहुत इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश है अगर ड्राई स्पेसिमेन है तो आप उसको पहले सॉफ्टन soft, uh, कर सकते हो बॉइलिंग वाटर से या फिर वेटिंग एजेंट यूज करें अब हम बात करते हैं थर्ड नॉमन क्लेचर की नॉमन क्लेचर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करें हम एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट रूल्स हैं ग्रुपिंग करने के लिए डिफरेंट रूल हैं फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सॉरी जैसे कि आई है आई किसके लिए है प्लांट्स के लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमन में इसमें आपकी फंजाई भी आ गई आई क्या है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमन फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स आई छोटा रह गया ये बड़ा करना है कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए आई हो जाएगा जुलॉजिकल नॉमन के लिए आई हो जाएगा बैक्टीरियल के लिए आई भी हो जाएगा बी भी बोल सकते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल कोड आई क्या हो जाएगा शनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन क्लेचर। तो ऐसे आप डिफरेंट ग्रुप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं ये है। हम में कि वो जो नेम है वो टू पार्ट से बना होगा इसलिए उसको बायनोमियलन क्लेचर कहेंगे साइंटिफिक नेम जो है वो टू पार्ट से बना होता है टू एपिथेट्स कह सकते हैं टू वर्ड्स कह सकते हैं नेमली पहला जो होगा वो जेनरिक

फर्स्ट लेटर जो होगा जीनस का वो हमेशा कैपिटल होगा स्पीसीज़ का जो होगा फर्स्ट लेटर वो स्मॉल होगा ठीक है ये इटैलिक्स में लिखा जाता है लेकिन अगर हम हैंड रिटर्न करते हैं तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं हमेशा बायोनोमिकल बायोनोमियल नोमनक्लेचर में ठीक है अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेती हूँ मैं पी तो पाइसम से टाइवन इसका बायोनोमियल नोमनक्लेचर है बोटेनिकल नेम है पी का पाइसम सेटाइवम दो से बना हुआ है टू वर्ड से है ना तो पाइसम जो है वो जेनेरिक एपिथेट है और सटाइवम जो है स्पीसीज एपिथेट है तो जो जीनस का जो नेम है पाइसम उसमें देखिए पहला लेटर जो है पी वो कैपिटल है और सटाइवम में स्पीसीज के नेम में फर्स्ट लेटर स्मॉल है तो आप ऐसे लिखेंगे अब ये इटैलिक्स में है अगर मैं इसको हैंड रिटन करती हूँ तो मैं नीचे अंडरलाइन लगाऊंगी ऐसे ही ओनियन का एलियम सेपा एडवांटेजेस क्या होती हैं यूनिवर्सल नेम है वर्ल्ड में हर जगह सेम ही रहेगा डेफिनेट है प्रिसाइज नेम है ग्रीक और लैटिन uh, uh, में है इसलिए इंटरनेशनली नोन है टेक्सोनिस्ट को हेल्प करता है अरेंज प्लांट ऑन देयर सिस्टमेटिक रिलेशन अब हम बात करते हैं फायलोजैनिक मतलब है, है, फायलोजैनिक का मतलब होता है एंसेस्ट्री के ऊपर बेस्ड होना यहाँ पे हम जीनोलॉजी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप की जीनोलॉजी का मतलब होता है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप पड़े क्लिनिज में ठीक है एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप पढ़ते हैं ये कैसे फाइलोजेनी को हम कैसे डिपिक कर सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू डिपिक कर सकते हैं इसको हम फाइलोग्राम बोलते हैं फाइलोग्राम को टुडे में क्लेडोग्राम भी बोल सकते हैं डायग्राम कंस्ट्रक्टेड थ्रू क्लेडिस्टिक मैथडोलॉजी ये जो है क्लेडोग्राम इसका मतलब होता है क्लेडिस्टिक मैथडोलॉजी के बेसिस पे ये आपका क्लैडिस्टिक मैथडोलॉजी के ऊपर कंस्ट्रक्टेड किया जाता है फाइलोग्राम ब्रांचिंग डाइग्राम है ये भी ब्रांचिंग डायग्राम है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ एडवांसमेंट डिग्री ऑफ एडवांसमेंट के ऊपर बेस्ड होता है डिफरेंस क्या हो सकता है बेसिक अगर क्लैडोग्राम और फाइलोग्राम में है तो दोनों एक ही दोनों फाइलोजेनी बता रहे हैं दोनों टेक्सर एनसेस्ट्रल रिलेशनशिप बता रहे हैं डिफ्रेंसिप इतना है कि जो क्लैडोग्राम है वो एवोलूशनरी टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता है ठीक है अगर हम एक फाइलोग्राम में बात करें तो जो लॉन्गेस्ट ब्रांच होती है वो मोस्ट एडवांस ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है ये आपको एक टिपिकल फाइलोजेनेटिक ट्री दिख रहा है ठीक है यहाँ पे जो आपको वर्टिकल स्केल दिख रहे हैं वो जोलॉजिकल टाइम स्केल दिखा रहे हैं ए लिविंग ग्रुप रीच द टॉप लिविंग ग्रुप सारे टॉप पे आ गए हैं प्रिमिटिव नियर सेंटर जो प्रीमिटिव होंगे वो सेंटर में होंगे और जो एडवांस होंगे वो पेरीफ्री पे होंगे ये सारे जो ऊपर टर्मिनल हैं ये सारे लिविंग ग्रुप है टेक्सोन है आपके बीच में जो होंगे वो प्रीमिटिव होंगे जो आपके पेरीफ्री पे होंगे वो आपके एडवांस ग्रुप होंगे ठीक है स्टार्टिंग जहाँ से उसको हम नोट बोल देते हैं फिर ये ब्रांचिंग हो जाती है और जहाँ पे दो में ये बाइफर हो रहे हैं उसको हम नोट बोल देते हैं मोनोफाइल्टिक क्या होते हैं ग्रुप्स आर डिसेंडेंट ऑफ कॉमन जिसके कॉमन एनसेस्टर आर डिसेंडेंट ऑफ ए कॉमन एनसटर वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप होते हैं जिसके कॉमन एनसेस्टर होते हैं उन वो मोनोफाइलेटिक में आते हैं सम पैराफाइलेटिक ग्रुप्स के उनसे होते हैं सम डिसेंडेंट ऑफ ए कॉमन एनसेस्टर आर लेफ्ट आउट आर रूनाइटेड कुछ क्या हो रहे हैं जो समिसडेंट हैं वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं बाद में कहीं आ मिल जाते हैं उनको पैराफाइलिटिक कहते हैं पोलीफाइलेटिक में क्या होते हैं मोर देन वन एनसेस्टर आर स्प्लिट टू फॉर्म मोनोफाइटिक एक से ज़्यादा एंसेस्टर आ जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाते हैं उसको पोलीफायरेटिक कहते हैं तो ये जो पिक्चर आपको देखती है ये एक आपको फाइलोजेनेटिक ट्री दिखा रहा है फाइलोग्राम दिखा रहा है अब हम बात करते हैं क्लासीफिकेशन की क्लासीफिकेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट इन डेफिनेट ऑर्डर डिफरेंट प्लांट्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है मतलब ग्रुपिंग करना प्लांट्स का डिफरेंट ग्रुप और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर का टेक्सा डिफरेंट ग्रुप्स और यूनिट को हम क्या कह सकते हैं टेक्सा कह सकते हैं कौन कौन सा टैक्सा होता है अगर हम प्लांट क्लासिफिकेशन बात करें तो किंगडम उसके बाद डिविजन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीस स्पीसीज में एस देखिए किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज इस बेसिस पे हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस पे हम प्लांट को अरेंज करते हैं सिंपल आपने एनसीईआरटी uh, में देखा होगा की पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स की इसकी ट्रिक है कीप के केस से आपका किंगडम हो गया पॉट से पी से फाइलम हो गया सी से क्लास ओ से ऑर्डर एफ से फैमिली टू फैमिली हो गया जी गेट से जी से जीनस हो गया सिक्स सी से स्पीशीज हो गया तो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट से किसकी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत सारे सिस्टम हैं अरेंजमेंट के लिए हम जो बेसिक बात करें वो तीन कैटेगरी में है टेक्सोनिक सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ठीक है ये 300 हंड्रेड बी सी टू सेवनटीन थर्टी में दिया गया था आर्टिफिशियल सिस्टम नेचुरल 600 हंड्रेड टू एटीन एटी में और फाइलोजेनेटिक जो है 1883 से अब तक चल रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में सिर्फ कुछ करेक्टर्स को ही कंसिडर uh, किया गया है ठीक है और जो प्लांट है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है उनके नेम के हिसाब से लीनियस ने यह दिया था इसमें क्या क्या गया है इसकी क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर नंबर ऑफ स्टेमन और अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन के बेसिस पे ये सिस्टम बेस ये देखिए डिफरेंट अरेंजमेंट और नंबर ऑफ स्टेमन के बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लास है नेचुरल सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है ऑल करेक्टर्स को कंसिडर किया गया है और प्लांट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देर वेरस लेवल ऑफ सिमिलरिटीज सिमिलरिटीज के बेसिस पे प्लांट को अरेंज किया गया है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम की इस सिस्टम में क्या होता है जो करेक्टर्स uh, uh, है ऑल द करेक्टर्स कंसिडर किए गए हैं और प्लांट जो है वो इवोल्यूशनरी एफिनिटीज़ के सिमिलरिटीज़ के हिसाब से अरेंज किए गए हैं इसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं एंगलर प्रेंटल ये जो सिस्टम है किस किसने दिए थे एंगलर प्रेंटल ने बेसे ने हचिंगसन ने टाजान ने और भी बहुत सारे टिपो ने इन सब ने ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिए ये आपको एक फाइलोजेनेटिक आपको डायग्राम दिख रहा है ग्रीन एल्गी एंसेस्टर है इवोल्यूशन हुआ है क्यूटिकल मल्टी सेलर गजिया मल्टी सेलर एम्ब्रियोज का उसके बाद किया हुआ है ये यहाँ से नॉन वेस्कुलर बायोफाइड्स में बायफर्केट हो गए हैं लीवर वर्ड्स बन गए कुछ टाइम के बाद वो मोसिस में बाइफर ट हो गए हैं उसके कुछ टाइम के बाद इवोल्व हो गए हैं आपके या आपके नॉन वेस्कुलर आ गए धीरे धीरे टाइम की वजह से इवोल्यूशन हुआ डोमिनेंट स्पोरोफाइट बने पोरो टिश्यू मॉडिफाई हुए और आपके वेस्कुलर सीडलेस प्लांट बनने स्टार्ट हुए फिर आपके क्लब मोसिस बने उसके कुछ इवोल्यूशन के बाद आपके फंड बने फिर इवोल्यूशन ऑफ सीड हुआ उससे फिर आपके वेस्कुलर सीड प्लांट बने जो कि जिम्नोसपम्प और उस कुछ टाइम इवोल्यूशन के बाद लास्ट में आपके एनजीओसपम बने तो ये आपके लैंड प्लांट का फाइलोजेनेटिक व्यू है अब हम बात करेंगे बेंथम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है रियल सिचुएशन जो प्लांट की है उसको एक्सप्लेन करता है जॉर्ज बेंथम एंड सर जोसफ डेल्टन होकर ने ये दिया था ये दो ग्रेट ब्रिटिश बर्डनिस थे जो जिस टाइम पे रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में वर्क कर रहे थे वहीं से इन्होंने नैचुरल सिस्टम ऑफ़ क्लासीफिकेशन इन्होंने जो अपना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको थ्री वॉल्यूम्स में पब्लिश किया है जनरा प्लैट्रम की इन्होंने थ्री बुक्स पब्लिश की हैं तीन वॉल्यूम पब्लिश की हैं इन सिस्टम नेम एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट नाइन्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव सीड प्लांट गिवन है इनके क्लासिफिकेशन इनके सिस्टम में बैंथम जो हुकर है क्लासिफिकेशन उसमें इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग ऑल जितने भी नेचुरल सिस्टम है उसमें इसको बेस्ट कंसिडर्ड किया फोटो में आपको जॉर्ज बैंथम एन होकर दिख रहे हैं ठीक है इन्होंने सीड प्लांट्स को क्लासिफाई किया है सीड प्लांट कह सकते हैं फिनेरोग्राम्स कह सकते हैं इनको थ्री मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है डायकोटेलिडन, जिम्नोसपम मोनोकोटेलिडन। प्लांट किंगडम अगर हम बात करें स्टार्टिंग से तो प्लांट किंगडम जो है वो बेसिकली हम टू में डिवाइड करते हैं क्रिप्टोगेमिया नॉन फ्लॉरिंग प्लांट्स और फेनेरोगेमिया फ्लॉरिंग प्लांट्स तो यहाँ पे फ्लारिंग प्लांट्स की बात हुई है तो फ्लारिंग प्लांट्स में बेंथामैन हुकर ने इनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया है डाए कोटलीडनी और मोनोकोटलीडनी डाई का मतलब है टू कोटोलीडन इन द सीड जिम्नोस्पर्मी में सीड नॉट इंक्लोज इन फ्रूड सीड जो है फ्रूट में इंक्लोज नहीं होता है ठीक है मोनोकोटलीडनी में क्या होता है एक कोटोलिडन होता है सीड के अंदर ठीक है अब हम डायक ऑटलैंड के यहाँ सब क्लासेस दे रखी हैं पोलीपेटली गैमोपेटली एंड मोनिक्लेमाइडी पोलीपैटली की सीरीज़ दे रखी हैं थैलमी फ्लोरी उसके अंदर सिक्स ऑर्डर है थर्टी फोर फैमिलीज़ हैं डिस्की फ्लोरी सीरीज़ में फ़ोर ऑर्डर ट्वेंटी टू फैमिलज़ हैं कैल्सी फ्लोरी सीरीज़ में फ़ाइव ऑर्डर ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन फैमिलीज़ हैं ऐसे ही गैमो गेमोपैटली की सीरीज़ हैं इन्फेरी हैट्रोमेरे एंड बाई कारपलेटई मोनोक्लेमाइडी की भी आ, सीरीज दे रखी है यहाँ पे चार चार नहीं एट है ठीक है तो ये जो कंप्लीट है ये हम डिटेल में आगे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे हम यहाँ सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले की डाइकोटलीडेंस की या क्लास डायकोट की बात करते हैं तो डाई हो गया तो मतलब टू कोटेलीडन होते हैं एम्ब्रियो में दो कोटेलिडन होंगे यहाँ पे जो रूट सिस्टम होगा वो टैप रूट सिस्टम होगा मेन पार्ट ऑफ रूट होगा सबसे पहले प्राइमरी रूट उसके बाद उसकी सेकेंडरी और टर्सरी रूट निकल रही है आपको दिख रही है डायग्राम में लीव जो हैं उनकी रेटिकुलेट वेनेशन होगी और पेंटामेरस और टेट्रामेरस फ्लावर होंगे तो यहाँ पे आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिख रहा है ये आपके टेट्रामेरस टे और पेंटामेरस फ्लावर है विद डिस्टिंग कैलिक्स एंड कोरोला अब हम बात करें जो क्लास डाइकोटलीडन है वो थ्री सब क्लासेस में डिवाइडेड है पोलीपेटली गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी जब हम बैंथमोकोर के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम कंप्लीट बात करेंगे यहाँ पे सीड प्लांट है क्लास डाकोटोलिडनी जिम्नोस्पर्मियन मोटो मोनोकोटोलिडनी डोकोटोलिडनी में तीन सब क्लासेज हैं पहली पोलीपैटनी पोलीपैटली गैमोपैटली एंड मोनोक्लेमाइडी पोलीपैटली में आपकी सीरीज़ है थैलमी फ्लोरी डिस्की फ्लोरी कैल्सी फ्लोरी गैमोपैटली में इन्फीरी हेट्रोमेरियन बाईकार्पेलरी ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास जिम्नोसपर्मी में जिम्नोस्पर्मी का मतलब क्या होता है प्लांट बियरिंग नेक्ट सी ठीक है ये जो है डिवाइड होता है थ्री फैमिली में नीटम हो गया कॉनिफेरेई आपका पाइनस और साइकेडेसी साइकस जो सीड्स है इनके नेक्ड होते हैं वो तो दिख रहे हैं अब मोनोकोटलीडन की बात करते हैं क्लास मोनोकोटलीडन की तो वन कोटिलिडन मोनो का मतलब वन हो गया वन कोटिलिडन इन द एम्ब्रियो सिंगल कोटेलिडन होगा फाइब्रस रूट सिस्टम होगा रूट सिस्टम बिल्कुल फाइब्रस होगा ऐसे और लीव्स में पैरल वेनेशन होगा और ट्राइमेरस फ्लावर, मतलब पेटल्स या कार्पल जो है वो थ्री होंगी तो ट्राइमेरस फ्लावर पे। मोनोकोटली जो है वो सेवन सीरीज में डिवाइडेड है माइक्रोस्पर्मी एपिगाइनी कोरोनेरी कैल्सिनियई न्यूडीफ्लोरई एपोकार्पेन ग्लूमेसी मेरिट्स की बात करें बैंथमेनोकर सिस्टम की तो दिस सिस्टम हेर वर्क आउट आफ्टर केयरफुल कम्पेरेटिव एग्जामिनेशन ऑफ नाइन्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव सीड प्लांट बहुत केयरफुली एग्जामिन करने के बाद इतने सीड प्लांट को क्लासीफाई किया गया है बहुत सिंपल है फील्ड में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इन्होंने भी बोटेनिकल गार्डन क्यू में आइडेंटिफाई किया है डिवाइड होते हैं जो प्लांट है उनको क्लास सब क्लास सीरीज फैमिलीज जीनस और स्पीसीज के बेसिस पे डिवाइड uh, किया है मोनोकोट लिडन जो है उनको डिस्क्राइब किया गया है आफ्टर डोटलीजेंट के बाद इस क्लासिफिकेशन में मोनोकोटलिजन जो है वाज गिवन ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी एंड नेचर ऑफ पेरियंथ के बेसिस पे उनको इम्पोर्टेंस दी गई है डाई जो है उनको सब क्लास में डिवाइड किया गया है पोली पैटली गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी में ऑन द बेसिस ऑफ़ नेचर ऑफ पेटल के बेसिस पे डिस्की फ्लोरी जो है वो न्यूली इंट्रोड्यूस की गई है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल कंडीशंस को भी कंसीडर कंसिडर uh, किया गया है ग्रुपिंग के लिए और ये जो सिस्टम है ये इंग्लैंड यू एस एरोपियन कंट्रीज़ में और और भी बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो किया जा है डीमेरिट्स की बात करें फाइलोजेनेटिक करेक्टर्स को, को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जिम्नोस्पर्म को मोनोकोड्स और डाइकोड्स के बीच में रख दिया गया है जिसका कोई रिलेशन नहीं है आर्टिफिशियल करेक्टर्स को है, कब इधर उधर कंसिडर किया गया है कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स में फैमिलीज सम फैमिलीज़ प्लेस्ड इन मोनोक्लोम आईडी में और जबकि उनकी एफिनिटीज़ <coughs> जो है वो बाई सीरेड पेरियंत है मतलब सम फैमिलीज मोनोक्लोम आईडी में प्लेस कर दी गई हैं हैव मच मोर एफिनिटीज़ विद दोज हैविंग बाई सीरिएट पेरियंथ उनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ हैं जबकि उनको रख मोनोक्लेम में दिया गया। इस क्लासिफिकेशन में क्या हुआ है हम जब नेक्स्ट डी की बात कर रहे हैं मोनोकोटिलिडेंस के जब क्लासिफाई किया गया है तो ऑल कैरेक्टर्स को कंसीडरेंट नहीं किया है मोनोकोटिलिडेंस को डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी और पेरियंथ के नेचर के बेसिस पे ओनली बाकी कैरेक्टर्स का कोई वो नहीं किया गया है इम्पोर्टेंस नहीं लिया गया है नेक्स्ट जो डिमेरिट है कुछ फैमिलीज़ को अनरिलेटेड फैमिलीज़ के साथ प्लेस कर दिया गया है जैसे कि फैमिली एरिडेसी जो है वो क्रोज रिलेटेड टू है लेलीएसी बट इसको प्लेस कर दिया गया है स्कीटीम स्केटिमेसी के साथ ये इसकी डेमेरिट्स है आई होप आपको टेक्सोनोमी जो बेसिक है वो समझ आ गया होगा थैंक uh, यू